वाली बात, मेरे हाथ में कैसे होगा भाई बिग बॉस के अंदर जाना, मेरा कोई शो है वो? तो जो चीज ये सोच रहे वीकेंड के बारे पे मेरे। तो मैं देख रहा था कि जैसे मेरा कल व्लॉग नहीं आया क्योंकि उतनी क्लिप्स नहीं हुई थी मेरे पास, तो लोग मेरे को कह रहे हैं एलविस भाई तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो कटारिया का, वीकेंड के वार पे जाओ जा क्यों रहे हो? अरे भाई मेरे हाथ में नहीं है यार, समझो ना ये वाली बात, मेरे हाथ में कैसे होगा भाई बिग बॉस के अंदर जाना, मेरा कोई शो है वो? तो जो चीज ये सोच रहे वीकेंड के वार पे, मेरे तो बाप का घर है भाई, कभी भी जाओ वीकेंड के वार पे और वो कटारे भाई ऐसे करो, कटारे भाई वैसे करो, सब सबको गाली बक के, ऐसा नहीं होता भाई। रही दूसरी बात कटारे के सपोर्ट की, भाई कटारे को पूरा सपोर्ट है और कैसे सपोर्ट करें मुझे एक बात बताओ, ग्राउंड पे उतर के झाड़ू मारने लग जाऊं, पुशअप मारने लग जाऊं, सब पार्टे मारने लग जाऊं, क्या करने लग जाऊं बताओ? हम उसको ऑनलाइन सपोर्ट कर सकते हैं वोटिंग से, वो हम कर रहे हैं पूरे अच्छे तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है भाई, कुछ खराब नहीं हो। हमारा ये तुमको नाम बनाने के लिए मुंबई आना ही है बेटा, फिर मिल। भोकरे ना जो बेटा, कुत्तों का काम है भोकना और शेरों का काम है दहाड़ना। तुम्हारा कटारिया भी किधर मिलेगा ना, बंबई में या दिल्ली में, अभी उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा तुम्हारे साथ में, गाली गलौज करने से पहले। मुंबई हमारा ही है, तुमको नाम बनाने के लिए मुंबई आना ही है बेटा, फिर मिलेंगे और हम तो दिल्ली आएंगे, दिल्ली दिल वालों की है। हमारे बहुत पठान भाई लोग हैं उधर, बहुत हरियाणवी भाई लोग हैं मेरे उधर, ऐसे ऐसे पूर्ण सब मानते अपने को, अपन ओरिजिनल है कटारिया और एलविस। बेटा तुम तिहाड़ 2 दिन जाके आए, यहाँ पे कई जेलों का मुआवजा कर चुके हैं। और वहीं गाइज राउंड टू हेल ने EPL करके नाम से एक वीडियो अपलोड करी थी IPL के ऊपर, तो नाजिम ने एक वीडियो बनाया जहां क्रेज रिस्पांस मिल रहा है, 20 घंटे के अंदर ही 10 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। क्या कहा है, छोटा सा क्लिप दिखाता हूं आप। क्या क्या बताऊं, क्या ही कर दिया यार तुम लोगों ने, मतलब इतना तगड़ा रेस्पॉन्स आज से पहले नहीं आया है किसी भी वीडियो पर जितना इस पर दिया है प्यार। एंड ऐसे ही देखते रहो, शेयर करते रहो, इसको पहुंचाते रहो आगे तक। राउंड 12 की वीडियो आ गई ना, वो 7 फेरे लेता है, उसके अंदर वचन होते हैं। अरमान भाई को गुस्सा आया, उन्होंने वही गाइस जोगिंदर अरमान मलिक के सपोर्ट में आ गए हैं, जहां उन्होंने विशाल को थप्पड़ मार दिया था, तो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हेट मिलने की वजह से जोगिंदर हमेशा इसी साइड देखते हैं, तो उन्होंने क्या कहा है, मैं उनका छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूं। अरमान मलिक ने विशाल को थप्पड़ मारा, काफी यूट्यूबर और इंस्टाग्राम के क्रिएटर का मानना है कि इनको बिग बॉस से बाहर करो। अगर तुम अपनी वाइफ के साथ कहीं घूम रहे हो, तुम्हारी वाइफ को कोई स्माइल करे या हंस के मजाक में कोई कमेंट पास करे, क्या तुम लोग देख पाओगे? जब कोई अपनी वाइफ के साथ शादी करता है ना, वो 7 फेरे लेता है, उसके अंदर वचन होते हैं। अरमान भाई को गुस्सा आया, उन्होंने वो काम किया। अगर उस जगह तुम लोग होते तो शायद तुम भी यही काम करते। विशाल की गलती है कि उसने मजाक में कमेंट पास किया। क्यों? कीर्तिका मेरी भाभी है और भाभी माँ समान होती है। अगर आगे